दोस्तों नमस्कार, ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एजुकेशनल वीडियोज के माध्यम से एजुकेट करते हैं। दोस्तों, आत्मनिर्भर बनाने की इस कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी भी प्रकार का नोटिस या डिमांड आता है तो उसका रिस्पांस आपको किस प्रकार से देना है, और रिस्पांस देने के बाद भी अगर रेक्टिफिकेशन नहीं होता तो उसकी कंप्लेन आपको कैसे करना है। इसके अलावा और दूसरे प्रकार के भी कंप्लेन आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिए और चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में। दोस्तों, डिमांड देखने के लिए आपको गूगल में इनकम टैक्स ई फाइलिंग सर्च करना होगा। इसके बाद आपको ये पहले लिंक में चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे यूजर आईडी आपका पैन कार्ड होता है, पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आप रजिस्टर्ड कर लीजिए न्यू यूजर में जाके। अगर आपका आईडी और पासवर्ड पहले से बना है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको होम पेज इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको किसी भी डिमांड के बारे में देखना है तो आप यहाँ वर्क लिस्ट में जाके फॉर योर एक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड में क्लिक करना है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 1890 का सेक्शन 154 में ये डिमांड आया है 11,580 का। यहाँ पे इसका रिस्पांस देखिए सबमिट किया जा चुका है 25 जून को, पर अभी तक इसको रेक्टिफाई नहीं किया गया है। आप ये देखिए, यहाँ पे इसको सबमिट किया गया है कि इनका ये डिसएग्री करते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी टीडीएस के माध्यम से पेमेंट कर चुके हैं। अब यहाँ पे डिमांड का रिस्पांस देने के बाद भी, जबकि इनको ये गलत डिमांड आई है, उसके बाद भी इसका रेक्टिफिकेशन नहीं किया गया। और दोस्तों, ये डिमांड आई क्यों? डिमांड इसलिए आई क्योंकि ये जब आईटीआर का फाइलिंग जिससे भी करवाए हैं तो उन्होंने टीडीएस की जानकारी गलत भर दी। कि अगर आपको अभी फिर से रिस्पांस सबमिट करना है, फ्रेश रिस्पांस, तो आप यहां से सबमिट में चले जाएंगे। यहां से जाने के बाद यहां पे आपको चार ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपका डिमांड गलत है तो आप यहां पे डिसएग्री विद डिमांड कर दीजिए, या जो आपके लिए सुटेबल ऑप्शन है वो आप यहां से चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा डिमांड पेड। अगर आपने इसको ऑलरेडी पे कर दिया है तो आप डिमांड पे कर दीजिए। यहाँ पे पूछा जाएगा चलान नंबर, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल आप बीएसआर कोड, डेट ऑफ पेमेंट, सीरियल नंबर और अमाउंट ये डाल दीजिए, या दूसरे अगर आपने रेक्टिफिकेशन किया है तो वो डाल दीजिए। अगर रेक्टिफिकेशन फाइल्ड विथ एओ जो आपके सेसिंग ऑफिसर हैं तो वो आप डाल दीजिए, अदरवाइज आप अदर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप रीजन डिटेल में डाल दीजिए क्यों आप डिमांड से डिसएग्री करते हैं, उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार से व्यू करेंगे, इस प्रकार आपका डिमांड दिखाई देगा कि आपने सबमिट कर दिया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल में जो आप लिखेंगे, यहाँ पे इन्होंने बता रहे हैं कि इनका टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो ये डिमांड रॉन्ग है। अब दोस्तों, जो हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम आज की है कि डिमांड आने के बाद आप उसका रिस्पांस सबमिट कर देते हैं, उसके बाद भी आपका रेक्टिफिकेशन कई दिनों तक नहीं होता या वो पड़ा होता है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपका डिमांड जब तक यहाँ पे दिखाई देगा तब तक आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपका जो रिफंडेबल अमाउंट होगा वो यहीं पे एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको कंप्लेन कैसे करना है। अगर आपका जो डिमांड है वो रेक्टिफाई नहीं होता रिस्पॉन्स सबमिट करने के बाद, तो आपको फिर कंप्लेन करना होगा। कंप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे ई निवारण में जाना होगा। यहाँ पे आप सबमिट ग्रीवेंसेस करेंगे। सबमिट होने के बाद यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमको सबमिट करना है। इस प्रकार से यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा कि आरटीआई, रिलीजियस कोड, इस प्रकार के जो मैटर हैं वो यहाँ पे आप कंप्लेन मत करिए, कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आप एग्री करिए। एग्री करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद ग्रीवेंसेस में चले जाइए। ऊपर डिटेल सारी आपकी ऑलरेडी फिल्ड रहेंगी, यहाँ से आपको डिटेल डालना है। आप
किससे रेजोल्यूशन चाहते हैं? हमको सीपीसी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स से चाहिए। आपके ग्रीवेंसेस की जो कैटेगरी हो यहाँ पे डिमांड से रिलेटेड है, आप डिमांड सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा सब कैटेगरी। यहाँ पे डिमांड नॉट करेक्ट है, हम डिसएग्री हैं। उसके बाद यहाँ आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपको अब अपलोड करना है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको अपने ग्रीवेंसेस के बारे में लिखना है। यहाँ पे मैं अपने कंप्लेन के बारे में लिख दिया हूँ कि डिमांड हमारी पेड है, टीडीएस के माध्यम से ऑलरेडी डिडक्शन हो चुका है जो कि 26 AS में रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके अलावा हम डिमांड का रिस्पांस दे चुके हैं बट अभी तक रेक्टिफाई नहीं हुआ। थर्ड, हम सारे डॉक्यूमेंट्स लोकल एसेसिंग ऑफिसर को हैंड ओवर कर चुके हैं और अभी तक डिमांड को सेटल नहीं किया गया, जिसकी वजह से मेरा रिफंड 2019-20 का होल्ड में है। तो इसको आप कृपया रेक्टिफाई करिए, उसके बाद आप रिव्यू करेंगे। इस प्रकार से आपको पूरे कंप्लेन का डिटेल दिखाई देगा आपने जो अभी तक डाला है। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। ये आपका कंप्लेन सबमिट हो गया। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ईमेल के, जो कि आप ईमेल के थ्रू भी आपको भेजा जाएगा और ये काफी अच्छा है। आप इसके माध्यम से कंप्लेन करिए, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, काफी इफेक्टिव है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।